विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय इन्होंने शनिवार को अयोध्या मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा की। चंपत राय ने कहा कि राम जन्मभूमि ये एक आंदोलन नहीं था, ये एक राम जन्म मुक्ति यज्ञ था जिसकी धूप की सुगंध देश भर में पहुंची। उन्होंने कहा कि राम जन्म भूमि विवाद पर अब पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस मामले में चंपत राय ने कहा कि ये हमारे लिए कोई खास बात नहीं है, न्यायालय ने सुनी वर बोर्ड को जगह देने के आदेश दिए है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पुरानी अयोध्या के सीमा पर उन्हें जगह देनी चाहिए। ये वक्तव्य करने वाले चंपत राय दूसरी ओर ये भी बोल रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के पूर्वज एक ही थे। 30 दिवसीय शिविर में एक दिन के लिए संघ की योजना के अनुसार उसका पालन करने के लिए आया हूं और इसलिए शिविर स्थान पर ही ठहरा हूं। विश्व हिंदू परिषद के कार्य में एक आंदोलन या एक महत्वपूर्ण बन गया, उसे आप लोग राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। उसको समाज राम जन्मभूमि आंदोलन कहता है, लेकिन हम उसे राम जन्मभूमि की मुक्ति का यज्ञ कहते हैं। वो हमारे कार्य का एक यज्ञ था, यज्ञ है, वो आंदोलन नहीं, वो यज्ञ है। और यज्ञ की आहुति से जब धूम उठता है तो दूर दूर तक समाज उसकी सुगंध लेता है। राम जन्मभूमि के मुक्ति यज्ञ की धूम की सुगंध भी इस धरती पर दुनिया के सब देशों में पहुंची है।